रेडी, वहां फूक मारो। ओके चलें। हो गया डिजिटल सेलिब्रेशन। ओके, फूक मारूं? हाँ हाँ फूक मारो। हो ओके गए सब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, रहे हो वहां पर। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके ये सब लोग एक हाय बार बोलो, देखो, हाय बोलो। खाली देखने के लिए यार ये। चलो चलो भाई अभी अपन निकलेगा कैसे? पता ऐसा करता हूँ ऊपर से निकाल दो, निकल निकल निकल। हाँ बस ये कट कर दो। ओके खाली क्रीम क्रीम आ गई, क्रीम चलो ही ठीक है। खिला। चलो चलो जी, नानी को खिलाएंगे पहले। हाँ पहले इनको खिलाएंगे। अरे मैं खिला देता हूँ, चलो नानी खाओ। चलो सही थोड़ा है, खाओ। अभी नहीं अच्छा तो आपने हाथ से ले ले, चलो बाकी और देता हूँ मैं। पूछ रहे थे नानी को। खले अरे खाना सही में होता हूँ, पूरा मुंह मल दूंगा ऐसा क्रीम ही यही खाली खाली। लो दीदी खा लो। खाली क्रीम ही है ये सब यहाँ पर। एक काम करो भाई, काटो और बांटो। चलो करण काटो, करण हाँ काटो और बांटो भाई। सो गाइस, ये हमारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन था। तो आज कल क्या हुआ पूरे दिन में पता नहीं, जो भी होगा ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं कल। ठीक है, और ये हम आसमान की ऊंचाई पे, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। आज ये गुड मॉर्निंग पीपल, हमारी दिन की शुरुआत होती है 20 डिग्री से, जो कि आज इतनी ठंड नहीं है। आज मौसम बहुत अच्छा है। सो आज हम पूरा खेत वेत एंड वहाँ के गाँव बकरी वकरी सब चीज़ देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे ऑटो के लिए वेट कर रहे हैं। तो अभी ऑटो नहीं, रिक्शा रिक्शा आएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो आज बहुत सनी डे, अच्छा लग रहा है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, सब एकदम अच्छा है। तो अभी हमारी रिक्शा आएगी तब मैं बताता हूँ। तो भाई ये रिक्शा है, आओ भाई। हाँ भाई सर्वे भाई बैठे नहीं यार। तो अभी हम ये रिक्शा में बैठ गए, तो अभी यहाँ से हम डायरेक्ट उतरेंगे हमारे गांव। फिर वहाँ से हम थोड़ा वहाँ पे चाय पानी तो कराएंगे, वो सब करने के बाद फिर हम जाएंगे डायरेक्ट खेत। ठीक है, अभी डायरेक्ट पहुँचने के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी हम लोग उतर चुके हो ऑटो रिक्शा से, और अभी यहाँ पे आप मेरे पीछे देखोगे, बता दो नदी, छोटी नदी। क्या बोलते हैं उसको मामा? बम्बा बोलते हैं। मधुआ बम्बा बम्बा, नहर नहर में से एक छोटा सा पानी निकाल दिया जाता है। अच्छा ये बम्बा है, और अभी हम यहाँ से घर पे पहुँचेंगे और खेत में जाएंगे। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि सुबह में कितना कोहरा था, बाप रे बाप, वो देख के तो थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। ऐसा लगा था कि आज बहुत ठंडी होगी, पर वैसा कुछ नहीं था। दोपहर तक मौसम अच्छा हो गया था, बट कोहरा बहुत था। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने ऐसा कोहरा देखा था, इतना फॉग देखा था। मगर मैं वहाँ पे बस 5 मिनट खड़ा हूँ, पूरा बदन ठंडा हो गया था, इसे फटाफट भागा वापस से चद्दर में जाके सो गया मैं। सो गया। अब ये देख रहे हो, ये पूरा आम का बाग है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक है पूरा। जहाँ तक हमारा रास्ता ख़त्म नहीं हुआ वहाँ तक है ये पूरा आम का बाग है। अंदर और भी झाड़ है। तो अभी फाइनली अभी आपको दूसरे वाले घर पे पहुंच गए, और ये बाग देख रहे हो कितना बड़ा है। देखो हम लोग एकदम वहाँ से आए, हम लोग तो वहाँ से चलते हुए थे घर के सामने तक का बाग है। भाई जिसका ये बाग है ना, बहुत पैसा वाला है, गारंटेड साला, इतना पैसा वाला है, इतना पैसा वाला है क्या बोलूँ। क्योंकि वो एकदम लास्ट है कि जहाँ तक रोड ख़त्म नहीं होता है, इतना ये लास्ट है। सो गाइस आज के वीडियो में आपने बर्थडे सेलिब्रेशन भी देख लिया, फॉग भी देख लिया, सब देख लिया, और मैंने इंट्रो ही नहीं दिया। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो है व्हाट्स अप फूडी पीपल, सो चैनल फूड एंड लाइफ। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दो जो कि मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। पकड़ लूँ इसे,
आ जाएगा ये हाथ में तेरी, ब्लैक वाला चाहिए था, ब्लैक वाला नहीं है। हाँ तो ये आ गया हमारे वीडियो में, इसका नाम क्या रखा है? तुम्हारा नाम कुछ है या नहीं? नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? मैं गाइस गांव में बहुत साल बाद ऐसे बकरी के बच्चे से खेल रहा हूँ, बिकॉज जब तो मैं छोटा था, जब मैं गांव आता था हर साल में, मतलब एक बार आता था, इसके बाद बड़े हो गए, पढ़ाई, फिर देन उसके बाद, मतलब मैं रोता था बकरी के बच्चों के लिए, सबके लिए, कि मुझे घर लेके जाना है, बहुत रोता था मैं, तुम्हें पता है, तुम्हें लेके चलूंगा मैं, चलोगे मेरे साथ? यहाँ पे ये भी है, बहुत सारे, ये है, इसकी मम्मी कौन है? अच्छा, तो ये मम्मी जी है, इनकी मम्मी है, और मेरे को जो पसंद आया था वो देखो यहाँ पर है, ये देखो देखो ये भाग रहा है, आ जा बाबू, आ जाओ, चलो ब्लैक वाले की। और ये ब्लैक वाला है भैया, क्या 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 घूर के देख रहे हो? तो ये है, इसका नाम कालू ही रखना चाहिए, जो भी काली चीज होती है ना उसका नाम कालू क्यों रखते हैं मुझे ये नहीं पता, तो इसका नाम कालू है और इसकी मम्मी ब्राउनी है। घूम जा, तो उसकी मम्मी, आप ये सामने देख रहे हो उसकी मम्मी, और दोनों भी झगड़ा कर रहे हैं। तभी मैं थोड़ा इनके साथ खेलता हूँ, फिर हम खेत जाएंगे, तो खेत बताता हूँ, ठीक है? हाँ जी गाइस, सो अभी आप लोग खेत के लिए जरा निकल चुके हैं, आप ये देख सकते हो, और ये मेरे पीछे वो वाला बाग है जो देखो मैं आपको रास्ते में बता रहा था। तो मेरे साथ शुभम भाई है, शुभम भाई, और आगे अमन भाई जा रहे हैं जैक के साथ, और भाई और अमन भाई और ये जैक, आ भाई जैक खा मतलब चलो भाई। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे सरसों का खेत देखेंगे, देन उसके बाद और भी कुछ है वो भी देखेंगे, फिर अभी जाएंगे सरसों का खेत देखते हैं पहले। ये देखो ये शायद भाई गेहूं का ये खेत है ना, गेहूं का खेत है, अभी हम जा रहे हैं सरसों का और गन्ने का खेत ढूंढने, गन्ना तोड़ सकते हैं भाई वहाँ? हाँ चलो फिर वहाँ दंगे करेंगे, दंगल विंगल सब वहीं होगा। ओहो भाग रहा है भाई वो, सो भाई सामने एक मोर है, भाग रहा है। कहाँ पर? कहाँ पर हो? आगे भी है मोर, अरे भाई नीलगाय कहाँ है, पेल ना दे भाई, कहाँ पर है नीलगाय? नीलगाय, अरे हाँ दिख गई, सही बोले भाई। एक बार दिल्ली में ऐसे में स्कूटी चला रहा था, आ गया भाई, उसने दे टक्कर दीवार में अपनी, भाग गया मोर, तो वो रपेड़ पे आ गई। चलो हाँ हाँ दिख के आ जाओ, नील का ही तो कुछ सीन ना कर देगी ना भाई, वो है ना जाएगी। हाँ हाँ चलो, हाँ वही, अरे कुछ नहीं बोलेगी, चलो दोबारा ऊपर, अरे नहीं बोलेगा जैकी, है ना वहाँ नीचा उड़ गई भाई वो तो। सो गाइस अभी हम लोग आम के बाग में, अभी यहाँ से हम जाएंगे दूसरे गांव जाएंगे ना भाई, यहाँ से हम जाएंगे जंगल, ठीक है, क्योंकि हम आगे तक आ गए, सरसों का खेत दिखा यहाँ, हमें चाहिए गन्ने का खेत, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे थोड़ा गन्ना छिलेंगे, मिल जाएगा ना भाई वहाँ तो गन्ने का। और यहाँ पूरा देख रहे हो भाई, पूरा यहाँ पे आम के ही बगीचे ज़्यादा से मोस्टली, बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ पर भी भाई आम के ही है, और जो चीज़ मैं आप YouTube पे नहीं बता रहा हूँ वो मैं Instagram पे बता रहा हूँ, तो जाके मुझे Instagram पे फॉलो कर लेना, नाम मेंशन हो गया होगा। तो अभी जाएंगे डायरेक्ट जंगल में, मिलते हैं। ओहो यहाँ की मिट्टी देखो, दब दबी।
अंदर बढ़ रहा है ना। हाँ एकदम सही है, एकदम कद्दे सॉफ्ट है। और ये जैक ही, इसको जैक ही बोलते हो? जैक जैक भैया इधर देख, जैक रुक भी नहीं रहा। ओ जैक बैठ के लेंगे भाई। जैक 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 है सो गाइस, अभी वापस है, हमें मोर दिखा है, अभी छुपके जाएंगे। ओ तेरी तू जैकी, तू सीन कर देगा भाई। जैकी रुक जा, वो देखो मोर, देखो भाई मोर देखो, वो देखो वो रहा भाग रहा है। चलो ये तो भाग रहा है, इसका तो दिक्कत ही नहीं है। ये देखो, देख रहे हो गाइस, तो फाइनली गाइस मैंने अभी आपको मोर दिखा दिया। अभी हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है, अभी वहाँ जाएंगे भाई। यहाँ पे हो गया एकदम हवा टाइट, मेरे जूते के पूरे लग चुके हैं। तो आपका भी काम बनता है इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे ना आम के वो छोटे छोटे पेड़ हैं, जो कि इतने छोटे छोटे झाड़ है और इस पर आम आते हैं, बोलो। अभी यहाँ से हम डायरेक्ट एग्जिट करेंगे, जाएंगे हम पीले सरसों में। सांप तो नहीं होंगे ना भाई? नहीं अभी कुछ नहीं है। फिर ठीक है, बड़ा सांप है ये होता है पीली सरसों, ठीक है। सांप विप का टेंशन है, सांप विप ना आ जाए। फोटो लेना भाई, एक फोटो लेना। रुक जाओ यार, किसका फोन है? अरे खेत का एक लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको, अरे बहुत एकदम जबरदस्त है। जैक पकड़ पकड़ जैकी पकड़ दे इधर का पकड़। बाइक भी आ रही है। ओ रंदे मोबाइल का टॉर्च चालू करना पड़ेगा। सो फाइनली घर हम पहुंच गए, और जितना हुआ मैंने उतना चीज बताई आपको। तो वहां पे एक्चुअली गन्ने का खेत और जो मुझे मेन चाहिए था गन्ने का खेत, वो नहीं था वहाँ पर। और गन्ने का खेत मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। और भाई जानवर पालना कोई आसान बात नहीं है। जैसे कि आपको मैंने बकरी दिखाई थी भाई, उनका जो खाना पीना है, उनका जो मेंटेनेंस है ना, बहुत भारी है। हम मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि गाँव की लाइफ बहुत ईजी है, सिर्फ जानवर को देखना पड़ता है और घर वीर अपना बस। बाहर जब मैं उधर बैठा, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कैसा सीन है, मतलब आप इन्हें क्या खिलाते हो, कैसा क्या है, तो उन्होंने बताया कि हम इतने बजे ये खिलाते हैं, फिर इतने बजे का इनका दूध निकालने का टाइम होता है, ये सब प्रॉपर। मैं दूध भी निकालने का गाइस वीडियो बनाता, भैंस का दूध कैसे निकालते हैं, बट उनकी भैंस बीमार है तो दिन में एक ही बार दूध दे रही है। तो भैंस तो अभी मैं वो वीडियो भी बनाने जाऊँगा, इससे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लेना, नोटिफिकेशन आ जाएगा। भैंस का दूध कैसे निकालते हैं टाइटल अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, और प्लस दो उनके बकरी के बच्चे भी मर गए थे ठंडी की वजह से। वही बोल रहे थे कि गर्मी में इतना मुश्किल नहीं होता है,
इनका ध्यान रखना, बट गर्मी में नहीं होता है, और जो ठंडी होती है उसके अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर एक जानवर का। और आपने कुछ सिनेमैटिक देखे होंगे, उसके अंदर एक दो बकरियों को कपड़ा भी पहनाया हुआ था। और प्लस जो है अभी ठंडी में उनको पता है कैसे रख रहे, टोकरा होता है ना गाइस, टोकरा उसके अंदर उनको ढकते हैं, फिर देन उनको उनके ऊपर कपड़ा डालते हैं, तो उन्हें वैसे रखते हैं। वो मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज मैं खेत चले गया था, ठीक है। तो जब मैंने देखा तो उन्होंने कड़ी वड़ी लगा दी, तो अच्छा नहीं लगता है ठंडी में किसी को परेशान करना, तो इस वजह से मैं वो शूट नहीं कर पाया। तो मैं वहाँ पर वापस जाने वाला हूँ, तो उस बात की टेंशन मत लेना। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा, वो मुझे नहीं पता कि वो वीडियो कब मैं ड्रॉप करूँगा, बिकॉज और गाइस यहाँ पे वाईफाई का बिल्कुल सोर्स है नहीं, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। तो वो वीडियो मैं डालूंगा, उसका टेंशन मत लेना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है मुझे, क्या इंप्रूव करना चाहिए। आप लोग बताओगे तभी वो चीज़ पर मैं काम कर पाऊँगा, ठीक है। और कैसा रहता पता है क्या, आप लोग बताओगे तो मैं उसके ऊपर वर्क करूँगा। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं उसको नेगेटिव कमेंट में लूँगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए और मुझे क्या एक्सप्लोर करना चाहिए। और बस इतना ही। अगर आप बोर नहीं हुए हो तो लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है यार। मिशन 100K सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो बस और बाकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है कमेंट करके बता देना, मैं तो ठंडी मजे ले रहा हूँ, आप लोग कर रहे हो नहीं वो भी कमेंट करके बताना। एंड बस।